गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम देखने वाले हैं रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट अपडेट। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट अपडेट काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं और जितने भी वीडियोस हमने अभी तक शूट किए हैं रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, फिर चाहे वो पैकेज उड़ीसा में हो, आंध्र प्रदेश में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एनीवे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि किस लोकेशन से किस लोकेशन तक का अपडेट करेंटली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एरिया आता है धमतरी डिस्ट्रिक्ट में और इसके अलावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ एरिया आता है। तो मेजॉरिटी जो एरिया है वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, कुछ हिस्सा इसका धमतरी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और ये है पैकेज 1 रायपुर वाजे एक्सप्रेसवे का छत्तीसगढ़ में। वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे अपने मैप के स्क्रीन के ऊपर और इसी पॉइंट से हम चलेंगे अभनपुर के साइड और ऑलमोस्ट पैकेज 1 के एंड तक हम जाएंगे, यानी कि रायपुर वाजे एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है लगभग हम वहां तक चलेंगे और देखेंगे वहां तक कितना कुछ काम हुआ है इस पैकेज 1 के एरिया में। और इसी एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बना है नेशनल हाईवे नंबर 30 जो कि रायपुर और जगदलपुर के बीच में कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ से फटाफट चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रोड का काम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में दिख रहा है क्योंकि रोड लेंग यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाउंड्रीज वगैरह थोड़ा बहुत बचा है इंस्टॉल करना, करेंटली मार्किंग बचा है, साइन बोर्ड लगाना बचा है और काफ़ी सारा काम यहाँ पे अभी भी करना बाकी है। तो फटाफट यहाँ से आगे चलते हैं और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सो दैट कि जितना जल्दी हो सके हम पूरे एरिया को कवर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से साइड में बाउंड्री वॉल्स लगा दिए गए हैं सो दैट कि जानवर एक्सप्रेसवे के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर 120 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियां चलने वाली है जब एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा तब। पर यहाँ से काफ़ी दूर के एरिया में आपको रोड बना हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लगभग एरिया में रोड का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे आ गया है। बीच बीच में कुछ जगह पे जहाँ पे बॉक्स कलवर्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम डेफिनेटली बचा है, बट बीच का जो एरिया है वहाँ पे रोड लेंगे लगभग कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और फटाफट, और यहाँ पर आप देखेंगे एक और बॉक्स कलवर्ट आपको दिख जाएगा साइड में ही, एक छोटा सा ऑफिस है क्योंकि इसे ये बना रही है शालीमार कॉरपोरेशन, उन्हीं का ऑफिस है यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि गांव का एक रोड क्रॉस होता है इसीलिए अंडरपास बनाया गया है सो दैट कि जंगली जानवर और लोकल जो पब्लिक है वो इजीली एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर पाएगी। यहाँ से थोड़ा और आगे चलें वहाँ एक और बॉक्स कलवर्ट या फिर वेकर अंडरपास आप इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करेंटली वो रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है बट जंगली जानवर है या फिर पानी वगैरह जो क्रॉस होता है उसके लिए इस तरीके की चीज़ों को बनाया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा काम डेफिनेटली बचा है और यहाँ पे एक छोटा सा रोड क्रॉस होता है। आपको बता दूँ ये जो एरिया है ये कुरूद का एरिया है, कुरूद इस जगह का नाम है और यहाँ पे बीच में कुछ एरिया में डेफिनेटली आपको अर्थवर्क होता हुआ नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे अभी काम करना बाकी है क्योंकि अर्थवर्क अभी जो मिट्टी को फिल करके फ्लैट सर्फेस को फ्लैट करने का ही काम यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा और आगे चले तो फिर से आपको एक बॉक्स कलवर्ट दिख जाएगा और यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वो एलिवेटेड होने वाला है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बना के यहाँ पर रखे गए हैं और उसके आगे भी अर्थवर्क का काम ही चल रहा है। बट एक बार फिर से जब हम इस पॉइंट पे आते हैं और तो यहाँ से रोड का काम सेम देखने को मिलता है, उसी तरीके से रोड पूरा बन चुका है, साइड में बैरिकेटिंग भी लग चुकी है, बाउंड्री वॉल लग चुका है, अभी करंट इसके ऊपर मार्किंग करना बाकी है और साइन बोर्ड्स लगाना बाकी है, उसके बाद एरिया कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, बीच बीच में कुछ कुछ हिस्सों में रोड कंप्लीट हो चुका है, कुछ हिस्सों में अर्थवर्क चल रहा है, कुछ हिस्सों में बॉक्स कलवर्ट का भी काम चल रहा है और जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन है उन जगहों पर उसी तरीके से सड़कों को बनाया जा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि रोड का काम कंटिन्यूसली चल रहा है, काम बंद नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि अगर इस तरीके से काम चलता रहा तो डेफिनेटली हम डेडलाइन तक उम्मीद कर सकते हैं कि
इस एक्सप्रेसवे को बना लिया जाएगा। इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक रोड क्रॉस हो रही है। इस रोड का नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ अगर इस रोड का कोई नाम होगा तो, और अगर ये कोई गांव का छोटा मोटा लोकल रोड होगा तो हो सकता है इसकी एक अननेम रोड हो। और यहाँ से आगे चलते हैं आपको एक बड़ा पैच दिखेगा जहाँ पे सिर्फ अर्थवर्क चल रहा है या फिर एश फिलिंग का काम चल रहा है। और यहाँ से एक छोटा सा नहर पास होना हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक एलिवेटेड सेक्शन होगा, एक छोटा सा माइनर ब्रिज बनाया जाएगा, इस वजह से इस नहर में जा रहे है पानी को कोई तकलीफ ना हो, आई मीन पानी को फ्लो होने में कोई रुकावट ना आए। और उसके आगे काफ़ी बड़ा हिस्सा आपको वैसे ही दिख जाएगा, फिर से गांव का छोटा सा रोड आ जाता है और काफ़ी एरिया में एस फिलिंग का ही काम चल रहा है। बीच बीच में रोड कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस देख के मुझे, मैं ऐसा उम्मीद लगा पा रहा हूँ कि पैकेज वन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में लगभग पूरा सिस्टम ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। आई मीन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में अगर मैं फिर से इस वीडियो को शूट करूँगा तो और काफ़ी ज़्यादा एरिया में आपको रोड बना हुआ चला जाएगा। हो सकता है कुछ एरियाज में मार्किंग्स वगैरह भी कंप्लीट हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फटाफट जितना जल्दी इस एक्सप्रेसवे को बना लिया जाए उतना अच्छा होगा, सो दैट कि लोग रायपुर से वाजेक तक इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। और कुछ ऐसा ही प्रोग्रेस आपको देखने को मिलता है। अब देखिए रोड काफ़ी बड़े एरिया में आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोड बन चुका है। और इस वीडियो को शूट करते करते हमें पूरा दिन लग गया ऑलमोस्ट, और हो गया अंधेरा, बट स्टिल हमने कोशिश की कि अंधेरे में भी थोड़ी बहुत वीडियो को शूट किया जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा एरिया आता है। क्योंकि जब हम 40-50 किलोमीटर का नॉन स्टॉप अपडेट देखना अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और ड्रोन की बैटरी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि इतना लंबा ड्यूरेशन तक वो सफ़र कर पाए, और ड्रोन की बैटरी को चार्ज होने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगता है, और हमें फिर ट्रैवल भी करना पड़ता है उतना ज़्यादा। तो हो सकता है तो इस तरह के काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इस वीडियो को शूट करते टाइम। तो जैसे कि वीडियो में देख ही पा रहे होंगे हमें हो गया वीडियो शूट करते करते अंधेरा। इस वीडियो को फटाफट यहीं पे अब कर देता हूं मैं एंड। ये था छोटा सा अपडेट रायपुर वाजे एक्सप्रेसवे के पैकेज वन का। पैकेज वन का एक्चुअली पार्ट टू है, पार्ट वन भी हमने अपलोड किया है, तो उससे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन में लिंक अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ में एक सिर्फ पैकेज 3 बचा है जिसे हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, और आने वाले टाइम में हम पैकेज 3 को भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम उड़ीसा चलेंगे और पैकेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितने भी पैकेजेस हैं सभी का अपडेट वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, फ्री है, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, बट हमें मोटिवेशन डेफिनेटली मिलता है आपके एक सब्सक्रिप्शन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।